हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा हम लोग कैसे चिकन कबाब बनाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हमारे को दो कबाब मसाला चाहिए, मिर्ची, नमक, दो नींबू। उसके बाद हम लोग लेंगे दो अंडे। फ्रेंड्स, पूरा हमारे पास मसाला रेडी है, नमक, मिर्ची पाउडर, नींबू, अंडा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इस चिकन पे इस तरह से हम लोग कट मार लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मसाला जाता नहीं है तो टेस्ट मिलता नहीं है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम आराम से इसको पहले कट लगा लेंगे। फाइनली पूरा कट हो गया है। अब हम लोग आग को जला देंगे अभी, क्योंकि आग लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनली हमने कट लगाने के बाद चिकन को धो लिया है साफ सुथरे से, सब रेडी है। उसके बाद हम अभी मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन कबाब पाउडर को हम एक प्लेट में डाल लेंगे, दोनों को डालेंगे। उसके बाद अंडे को डाल लेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल दिए हैं, नींबू भी डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में हम लोग बहुत फ्री थे, तो हम लोग को बहुत बोरिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो कुछ ना कुछ इसी टाइप का वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। वो फाइनली मसाला रेडी हो गया, अब इसको हम चिकन में अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। हमने जो कट लगाया था, कट में मसाला अच्छे से लगा लेंगे, इसीलिए हमने कट किया था कि अंदर तक मसाला पहुंच जाए। मसाला लगाने के बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि मसाला अच्छे से इसमें भिन जाए। तो फाइनली आग भी लग गई है, सब रेडी हो गया है। अब हम जाली लेंगे, जाली को आग के ऊपर रख देंगे, चूल्हे के ऊपर इस तरह से। फाइनली आग बहुत अच्छे से लग गई है, अब इसके ऊपर हम एक एक पीस को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो फाइनली अभी कबाब हमारा थोड़ा टाइट हो गया है, इसके ऊपर से हम तेल लगा देंगे, तेल अप्लाई कर देंगे इसमें हम। तो फ्रेंड्स अब कबाब रेडी हो जाने के बाद हम लोग खा के बताएंगे कि टेस्ट कैसा है, कैसा बना है। तो फ्रेंड्स फाइनली कबाब रेडी हो गया है। फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम लोग पहले इसमें थोड़ा नींबू लगा लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इसको हम चख के बताएंगे कि कबाब कैसा बना है, टेस्ट कैसा है इसका। तो फ्रेंड्स कबाब में इस तरह से नींबू डालते हुए देखकर सच बताऊं तो मेरे ही मुंह में नहीं सबके मुंह में पानी आ रहा है, सबकी जुबान गिरी जा रही है। तो चलिए अब आप चख के बताते हैं कैसा लग रहा है। कैसा है भैया टेस्ट कैसा है? ओके थैंक यू। टेस्ट कैसा है भाई? ओके शादाब भाई टेस्ट कैसा है? ओके थैंक यू। मज़ा आ गया ना, बड़े तो बड़े छोटे बच्चे भी साथ में लगे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, चलिए मैं भी इंजॉय करता हूँ।